लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जया बच्चन 72 साल की हो चुकी है। 9 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। अमिताभ बच्चन से शादी को 46 साल हो चुके हैं। जया और अमिताभ जलसा में रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई आम आदमी पहली बार मुंबई आता है तो वो सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन का ही घर देखना चाहता है। वैसे आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा वास्तव में काफी खूबसूरत है। वैसे भी ये किसी जन्नत से कम नहीं है। जलसा में अमिताभ अपने परिवार जया, ऐश्वर्या, अभिषेक और पौती आराध्या के साथ रहते हैं। हर संडे अमिताभ बच्चन के घर के बाहर हजारों फैंस की जबरदस्त भीड़ लगती है, जो यहां सदी के महानायक की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते हैं। हर संडे को जलसा के बाहर फैंस आते हैं और उनके दीदार के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन आज हम आपको जलसा के अंदर की सैर करवाते हैं कि आखिर अंदर से बिग बी का बंगला कैसा दिखता है। बिग बी के घर की सजावट भव्य है। जो भी जलसा के भीतर जाता है बस देखता ही रह जाता है। वैसे आपको बता दे कि अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा वास्तव में काफी खूबसूरत है। वैसे भी ये किसी जन्नत से कम नहीं है। जलसा में अमिताभ अपने परिवार जया, ऐश्वर्या, अभिषेक और पौती आराध्या के साथ रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बंगले के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव चीजों से सजाया गया है, इसलिए आपको उनके बंगले के अंदर बहुत सारे अलग और खूबसूरत शोपीस और सजावटी वस्तुएं भी देखने को मिलेगी। दिवाली के मौके पर पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है। बच्चन फैमिली ने घर में बहुत खूबसूरत मंदिर बनवा रखा है। आपको बता दे कि जलसा अमिताभ बच्चन को तोहफे में दिया गया था। रमेश शिपी ने फिल्म सत्ते पे सत्ता के बाद बिग बी को ये बंगला तोहफे में दी थी। बिग बी का खूबसूरत घर जलसा 10-25 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अमिताभ बच्चन का घर समंदर किनारे है। जूहू बीच उनके घर से नजदीक है। घर से पिछले हिस्से से समंदर का खूबसूरत नजारा दिखता है। पहले ये घर अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन की वाइफ रमोला बच्चन के नाम था। ऐसा टैक्स में छूट के लिए करवाया गया था। साल 2006 में जलसा का रजिस्ट्रेशन जया बच्चन के नाम पर हुआ। कभी कभी अमिताभ बच्चन अपने घर से अपने फैंस का भी अभिवादन करते हैं, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। हर साल दिवाली के मौके पर जलसा को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। घर के एक एक कोने में महंगे कंदील लगाए जाते हैं।